ठीक। अब बताओ, केस वन में बेन थीटा इक्वल टू जीरो, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा बाबू, तो एफ वेक्टर इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, और थीटा क्या है, 0 डिग्री ना, तो बी आई एल साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 क्या होता है, ध्यान दो, बी आई एल इंटू 0, तो एफ वेक्टर 0, फोर्स जो होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा बाबू, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए कंडक्टर, लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए कंडक्टर, अलोंग ए कंडक्टर। सेकंड केस में देखो बाबू, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएंगे तो बेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया बाबू, तो उस केस में एफ वेक्टर क्या देगा, बी आई एल साइन थीटा, और एफ वेक्टर क्या आ जाएगा बाबू, बी आई एल साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितना, 1, तो एफ वेक्टर कितना, बी आई एल, एफ वेक्टर क्या आ जाएगा, बी आई होगा। अब बताओ बाबू, अब ध्यान दीजिए, ये तो मैग्नीट्यूड निकाल दे बाबू, अब यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब आगे हेडलाइन दीजिए, अब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, बहुत इजी है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो बाबू यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, बी आई एल होता है ना, ये भी होता है, दोनों में डायरेक्शन ले लेते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं है, नहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो डायरेक्ट ले लेते हैं, एफ इक्वल टू बी आई एल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बाबू, बी इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन आई एल, फोर्स का यूनिट न्यूटन, करंट का यूनिट एम्पियर, और लेंथ का यूनिट हो गया ना बाबू। अब बताओ, इसको लिख सकते हो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, लिख सकते हो, या इसी को क्या नाम दिया गया है, वेबर, पहले टेस्ला, टेस्ला के नाम से जानते हैं, उसके बाद किस नाम से जानते हैं बाबू, वेबर पर मीटर स्क्वायर के नाम से जानते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। देखो बाबू ध्यान दो, फोर्स जो होता है लेंथ का परपेंडिकुलर होता है, फोर्स जो होता है करंट का परपेंडिकुलर होता, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का बाबू, मैग्नेटिक फील्ड का होता है। अब देखो फाइंड करो, क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ, फाइंड फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन, से कर लो, फाइंड फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन, तो बाबू डायरेक्शन और फोर्स फाइंड करना है,
अब बताइए कोई कंडक्टर है नंद बाबू, कोई कंडक्टर है? नंद मैग्नेटिक फील्ड है। अब बताओ बाबू, अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई वायर को प्लेस कर देते हैं देखो, अब बताओ बाबू इस पे करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बताओ बाबू करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं? अब बताओ करंट जब अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 एम्पियर, एल इक्वल टू कितना है लेंथ 5 मीटर दिया हुआ है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ बाबू वो 2 टेस्ला दिया गया है। अब हमसे फोर्स फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अब बताओ ध्यान दो कि नॉर्थ डायरेक्शन हुआ है साउथ डायरेक्शन हुआ, तो ध्यान दीजिए एफ इक्वल टू क्या होता है बी आई एल, एफ इक्वल टू 2 × 3 × 5 तो कितना हो जाएगा एफ 30 न्यूटन हो गया बाबू, एफ कितना आ गया 30 न्यूटन आ गया ना, कोई दिक्कत? अब बताओ अब फोर्स का डायरेक्शन किधर? अब बताइए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, ध्यान दो बाबू करंट किस डायरेक्शन में है? देखो करंट अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट कहाँ गया? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन ए, फोर्स किधर? देखो बाबू फोर्स का डायरेक्शन किधर? देखो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया बाबू, फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो बाबू, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दो बाबू, ये आपका है। अब बताइए ये क्रॉस प्रोडक्ट है, अब बताओ बायर पे करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। अब ध्यान दो बायर पे करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब देखो करंट अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड करंट अपवर्ड फोर्स किधर? देखो बाबू मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड करंट अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड करंट अपवर्ड फोर्स का डायरेक्शन किधर? परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर? इस साइड होगा। अब बताओ इसमें क्या दिया गया है बाबू, इस क्वेश्चन में दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड अगर 3 टेस्ला है, करंट कितना दिया गया है बाबू 5 एम्पियर और वायर का लेंथ 4 मीटर, तो फोर्स का क्या आएगा बाबू? देखो फोर्स का डायरेक्शन किधर, सॉरी फोर्स का तो डायरेक्शन फंड हो गया, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बी आई एल होगा, क्या होगा? बी आई एल होगा, और बी आई एल होगा बाबू तो बी कितना है 3 है 5 है 4 न्यूटन, एफ इक्वल टू कितना हो गया बाबू 60 न्यूटन, फोर्स कितना हो जाएगा 60 न्यूटन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखो बाबू,
थर्ड क्वेश्चन क्या है इसी बताइए बाबू, ये मैग्नेटिक फील्ड लिए नॉर्थ डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड लिए बाबू, और करंट का भी डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या है, करंट है, करंट भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है बाबू। तो करंट अगर मैं, और क्या आपका इंफॉर्मेशन है, आई इक्वल टू 2 एम्पियर, बी इक्वल टू 6 टेस्ला, लेंथ इक्वल टू 4, लेंथ कितना है बाहर का 7 मीटर दे दिया गया है, 7 नहीं बाबू 3.5 मीटर है, लेंथ है 3.5 मीटर, फोर्स क्या होगा बाबू, एक चीज बताओ बाबू, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये क्या बतलाता है, करंट के डायरेक्शन को बतलाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो क्या हो गया बाबू, ये दोनों पैरेलल हो गया ना, क्या हो गया, ये दोनों पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड भी पैरेलल और करंट भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। एक चीज बताओ बाबू, अगर इसमें हम एफ इक्वल टू बी आई एल अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 × 3, चलो 3 ले लो, तो क्या हो जाएगा, 6 × 12 = 36 न्यूटन, ये रॉन्ग हो जाएगा बाबू। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहां बी आई एल साइन थीटा अप्लाई होगा, क्यों बाबू, मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों क्या है, पैरेलल है, तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में है, तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, 6 × बाबू, 0 डिग्री, तो 36 × 0 यानी 0 न्यूटन, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा बाबू इस बॉडी पे, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इक्वल हो, सेम डायरेक्शन में हो, सॉरी इक्वल नहीं, सेम डायरेक्शन में हो, तो फोर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 0, याद रखिएगा, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है। अब आओ थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन अगर हम ले रहे हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ध्यान दो बाबू, अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और करंट किस डायरेक्शन में ले ले बाबू, कोई बात नहीं है, करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं बाबू, अब बताओ अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन, आउट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फ्लेमिंग का ये क्या है, ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स किसका डायरेक्शन में, ध्यान दो, तो फोर्स का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये क्या दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट और फॉरवर्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, करंट अपवर्ड, तो मैग्नेटिक, सॉरी फोर्स का डायरेक्शन किधर, देखो आप फोर्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या राइट हैंड थंब रूल से देखो, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बाहर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है बाबू, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो थंब आपका पाल्म, पाल्म क्या इंडिकेट करता है, फोर्स, तो फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया। अब बताइए इसमें बी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ था, मान लो मैग्नेटिक फील्ड कितना ले ले बाबू,
3 टेस्ला, करंट 2 एम्पियर और लेंथ ले लेते हैं 4 मीटर, छोड़ो 4 मीटर ले लेते हैं। तो फोर्स क्या होगा बाबू, फोर्स क्या होगा? देखो सब परपेंडिकुलर है बाबू, ध्यान दो, ये बाहर की ओर है, ये अपवर्ड है, दोनों भी परपेंडिकुलर हो गया। करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स भी परपेंडिकुलर। तो थीटा एफ इक्वल टू क्या होगा, बी आई एल साइन थीटा। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे बाबू, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, करंट अपवर्ड है, फोर्स डाउनवर्ड, तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर। ध्यान दो, ये दोनों भी परपेंडिकुलर, ये दोनों भी परपेंडिकुलर हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। एफ इक्वल टू 3 × 2 × 4 साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना, 1। 3 × 2 = 6, 4 = 24 न्यूटन। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। तो ये आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास में डीसी मोटर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।